Hello students, welcome you all on English Literature Topics platform. In this video, I am going to explain a very important literary topic and that is Transcendentalism. You can say American Transcendentalism. Transcendentalism was a philosophical movement which emerged in late 1830s and 1840s. It's all about spirituality. What is the meaning of Transcendentalism? Means climb over or beyond. Beyond what? Goes beyond what they can you can see, hear, taste, touch and feel. So Transcendentalism ka jo meaning hai wo hai beyond. Ek tarah se aap bol sakte ho bahut hi easy language mein is bheed chaal ki jo bheed chaal hai uske alawa matlab ek apni alag soch rakhne wale kuch jo hai isme writers hain. ठीक है, एक अलग सोच रखने वाले. ये स्पेशली एक रिलीजियस मूवमेंट आप इसको बोल सकते हो, एक स्पिरिचुअल मूवमेंट बोल सकते हो. कैसे? देखो, ट्रांसेंडेंटलिज्म जो है वो बोलता है, उसकी बहुत ही इजी लैंग्वेज में अगर हम समझे तो उसकी थिंकिंग क्या है कि हम भगवान को मंदिरों में ढूंढते हैं, चर्च में ढूंढते हैं, मस्जिद में ढूंढते हैं, जो नहीं है वहाँ. वो वहाँ एग्जिट नहीं करते, वो एग्जिट करते हैं आपके खुद में. आप अपनी सोल पे फोकस करो. ठीक है, आपकी सोल सेल्फ रियलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट, सॉलिट्यूड इंडिविजुअलिटी इज इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू ट्रांसेंडेंटलिस्ट. सो ट्रांसेंडेंटलिस्ट क्या कहते हैं कि आपका अपना सेल्फ रिलायंस और सेल्फ जो है डिस्कवरी जो है वो इम्पॉर्टेंट है. सो आई होप आपको ये एकदम अच्छे से ट्रांसेंडेंटलिज्म का जो मीनिंग है वो समझ में आ गया कि ट्रांसेंडेंटलिज्म किस बात पे फोकस करते हैं. वो इसी बात पे फोकस करते हैं कि आप जो है अपनी सोल पे फोकस करो, अपनी आत्मा पे फोकस करो. क्योंकि आप अगर आत्मा पे फोकस करोगे तो आप ऑटोमेटिक एक जो गॉड का ऑरा है उससे जुड़ पाओगे. ठीक है, तो आप में अपने आप पॉजिटिविटी आती जाएगी. अगर आपको बहुत अच्छे से ट्रांसेंडेंटलिज्म समझना है तो आप एक तरह से बोल सकते हो कि जो ब्रह्मा कुमारीज, आपने सुना होगा ब्रह्मा कुमारीज का नाम, जो कि एक सेंटर है. जो स्पेशली मेरे को सबसे अच्छा वो इसलिए लगता है कि स्पेशली वुमेन जो है उसको लीड करती है. हाँ, फाउंड उसको मेल ने किया है, एक मैन ने किया है जिनको हम बाबा बोलते हैं, तो पर उनको लीड करने वाली वुमन है. तो उसमें आप बोल सकते हैं कि वो पूरी तरह से एक फेमिनिस्ट जो है मेरे को सेंटर लगता है, जो एक एज अ बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ वुमन मेरे लिए एक बहुत प्राउड वाली बात है अगर मैं आपको बताती हूँ ब्रह्मा कुमारीज के बारे में. सो ब्रह्मा कुमारीज जो है उनका क्या थिंकिंग है, उनका भी थिंकिंग सेम एज अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट यही है कि ट्रांसेंडेंटलिज्म के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें जो है अपने आप को डिस्कवर करना है, सेल्फ रिलायंस करना है. ठीक है, और हमारी सोल पे फोकस करना है. सो ब्रह्मा कुमारीज जो है वो भी यही बात करती है कि हमें सोल पे फोकस करना है, तो हमें जो एक गॉड का ऑरा है वो ऑटोमेटिक रिलेट करेगा, हमारा गॉड के साथ ऑटोमेटिक कनेक्शन हो जाएगा और हम उस चीज़ को जो है एक पॉजिटिविटी अपने आप में फील करेंगे. ये ब्रह्मा कुमारीज बात करते हैं. तो ब्रह्मा कुमारीज जो है आपको आई एम श्योर पता होगा, उनका जो हेडक्वार्टर है वो माउंट आबू जो कि राजस्थान में है, वहाँ है माउंट आबू में. स्टार्ट हुआ था ये हैदराबाद में, जब पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन नहीं था. हैदराबाद सिंध में इसका स्टार्टिंग माना जाता है. तो ये जो ब्रह्मा कुमारीज जो सेंटर है वो किसने स्टार्ट किया, एक बहुत ही फेमस ज्वेलर थे उन्होंने ये स्टार्ट किया. वो इतने मतलब फाइनेंशियली बहुत अच्छे स्टेबल ज्वेलर थे, तो उनका स्टार्ट किया हुआ माना जाता है ब्रह्मा कुमारीज. और वो सेल्फ कॉन्शियस, सोल कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस पे बात करते हैं. वो एक तरह से बोलते हैं कि हमें हमारा जो सोल है उसको डिस्कवर करना है. जो जो बाबा जिनको बोलते हैं ब्रह्मा कुमारीज के, जो फाउंडर माने जाते हैं, वो उनका नाम है लेखराज कृपलानी, जिनका लाइफ स्पैन 1876 से 1969 तक रहा. लेखराज कृपलानी जो हैं वो एक बहुत ही फेमस ज्वेलर थे और उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी छोड़कर वो इस जो है ब्रह्मा कुमारी जो उन्होंने फाउंडेशन सेंटर चलाया, और इसमें वो अपने घर पे ही
क्या है, मुरली सुनाते थे। अब मुरली क्या है? अकॉर्डिंग टू ब्रह्मा कुमारीज मुरली है जो हमारी भागवत गीता के जो है कोटेशन बोल सकते हो आप, अच्छे कोटेशन जो पॉजिटिविटी देते हैं। सो ये लोग उसको मुरली बोलते हैं और ये अपना राजयोग और मुरली अपने सेंटर में समझाते हैं। तो जो कृपलानी थे, लेखराज कृपलानी, जब उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट करी तो धीरे धीरे उनके साथ में सबसे पहले, आपको भी पता है ये चीज़, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी धार्मिक चीज़ होगी तो उसमें औरतें जो हैं, वुमेन जो हैं हमारे इंडिया की, सबसे पहले जाती है वहाँ पर। चाहे कोई कीर्तन हो, संकीर्तन हो, कुछ भी हो, औरतों की गैदरिंग हमेशा जो है ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू मैन। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ, जब लेखराज कृपलानी को, इनको कब फील हुआ, ये जब 60 इयर्स के थे, मतलब 60 साल तक तो इन्होंने अपना बिजनेस संभाला और अपनी जो है डोमेस्टिक लाइफ जो है रखी। उसके बाद जब ये 60 इयर्स के हुए तो इनको कुछ ऑरा फील हुआ शिव का। सो एक तरह से इनको ये फील हुआ कि मुझे जो है मेरी सोल को इस नेचर से, इस ऑरा से जुड़ जाना चाहिए। तो इन्होंने अपने घर में जो है कीर्तन वगैरह स्टार्ट किया और इनसे बहुत सारी औरतें कनेक्ट में आई और इस तरह से इनके सेंटर को बढ़ावा मिलता रहा। बहुत लोगों ने इसको जो है अपोज भी किया, पर अभी हाल फिलहाल आप बोल सकते हो शायद 101 कंट्रीज़ में इसका बहुत जगह जो है सेंटर है। सो ये ब्रह्मा कुमारीज एक अच्छा एग्जाम्पल है ट्रांसेंडेंटलिज्म को समझने का। सो ट्रांसेंडेंटलिज्म के अकॉर्डिंग क्या है, हम हमारी सोल पे फोकस करें, सेल्फ रिलायंस पे फोकस करें। कब आया ट्रांसेंडेंटलिज्म? ये एक अमेरिकन फिलोसॉफिकल मूवमेंट है जो 1830 और 1840 में इमर्ज्ड हुआ, डेवलप हुआ। और राल्फ वेल्डो एमर्सन जो कि एक बहुत ही फेमस अमेरिकन राइटर हैं, फिलोसोफर हैं, उन्होंने जो है आप बोल सकते हो कि ये ट्रांसेंडेंटलिज्म जो है वो लेकर आए। तो इन्होंने और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में ये लोग सिर्फ इसी चीज़ पे बात करते थे कि हमें भेड़ चाल में नहीं चलना है, जो हमसे फोर्सफुली जो रिलीजन की जो बातें बताई जा रही है वो हमें नहीं माननी है। सपोज़ आपको कोई बोल दे कि आपको आज के आज जो है मंदिर में जाना होगा, मंदिर में देवी की पूजा करके आओ या कुछ भी करके आओ, अदरवाइज़ आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। सो अगर आप उसको मानते हैं, दैट मीन्स आप ट्रांसेंडेंटलिस्ट पे बिलीव नहीं करते हैं और आप ये सोचते हैं कि नहीं, हम किसी की बात को फोर्सफुली क्यों माने, हमारा जो है कनेक्शन होना चाहिए इस नेचर से, अपनी सोल से, हमारी आत्मा से। हम मेडिटेशन पे बिलीव करते हैं तो हम ये सब चीज़ें नहीं मानेंगे। आपको पता होगा कि ब्रह्मा कुमारीज जो है वो भी मेडिटेशन पे ही बात करती हैं। वो बोलते हैं कि कीप मेडिटेट योर सेल्फ, कि आप अपने आप में मेडिटेशन करेंगे तो आप अपनी सोल को फील कर पाएंगे, आप जो आपके अंदर जो जागृति है वो आप उसको फील कर पाएंगे। सो ट्रांसेंडेंटलिज्म भी यही बात करते हैं। और जो ओशो थे वो भी कुछ हद तक यही बात बोलते थे कि हमें जो है मेडिटेशन करना चाहिए। सो मेडिटेशन से ऑब्वियस है कि हमारे मन को बहुत शांति मिलती है और हम अपने आप को फील कर पाते हैं, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिस्कवरी कर पाते हैं। सो ये ट्रांसेंडेंटलिज्म है। सो अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म 1830 से 1840 में इमर्ज हुआ। राल्फ वेल्डो एमर्सन जो है इसको इमर्ज करने वाले माने जाते हैं और इन्होंने अपनी जो बुक लिखी लाइक नेचर, सेल्फ रिलायंस, द ओवर सोल, द अमेरिकन स्कॉलर, डिविनिटी स्कूल एड्रेस, ये बहुत ही फेमस वर्क है इनके। आप जो है इनके वर्क्स को आप विकिपीडिया पे या अदर नोट्स पे, अदर जो है ग्लॉसरी ऑफ लिटरी टर्म्स में भी आप देख सकते हो। बहुत सारी रिलेटेड टू जो है लिटरेचर बुक जो है उनमें आपको इनके वर्क्स मिल जाएंगे। बट फिर भी मैं आपको कुछ वर्क इनके जो है इम्पॉर्टेंट जो रिलेटेड करते हैं ट्रांसेंडेंटलिज्म से वो बता देती हूँ। द ओवर सोल, सेल्फ रिलायंस, अमेरिकन स्कॉलर, डिविनिटी स्कूल एड्रेस, ये सारे ही वर्क्स जो हैं एमर्सन के हैं, राल्फ वेल्डो एमर्सन जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं और एसेइस्ट हैं। उसके अलावा हेनरी डेविड थोरो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रांसेंडेंटलिस्ट माने जाते हैं। हेनरी डेविड थोरो के वर्क हैं वॉल्जन सिविल डिसओबीडियंस, वॉल्जन और सिविल डिसओबीडियंस। और उसके अलावा जो वुमन इन द 19th सेंचुरी वर्क है वो है मार्गरेट फुलर का, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है माने जाते हैं इसके लिए, ट्रांसेंडेंटलिस्ट के लिए।
ट्रांसेंडेंटलिस्ट बात करता है सोल कॉन्शियसनेस पे, और मैंने जैसे कि अभी आपको बहुत अच्छा एग्जांपल ब्रह्मा कुमारीज का देकर बताया, वो भी बात करते हैं सोल कॉन्शियसनेस पे। सो इनका यही मीनिंग रहता है कि हमें अगर गॉड से जुड़ना है तो हमें पहले अपने आप की डिस्कवरी करनी पड़ेगी, अपनी सोल को देखना पड़ेगा और हमें इस नेचर से कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, ये बात करते हैं ट्रांसेंडेंटलिज्म। उसके अलावा मैं अब आपको मैंने जो अपने नोट्स बनाए हैं वो भी रीड आउट करके बता देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। बट आई होप आपको ट्रांसेंडेंटलिस्ट का जो लिटरल मीनिंग है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो ट्रांसेंडेंटलिज्म इज अ वेरी फॉर्मल वर्ड दैट डिस्क्राइब अ वेरी सिंपल आइडिया। पीपल मैन एंड वुमन इक्वली हैव नॉलेज अबाउट देमसेल्व्स and the world around them that transcends or goes beyond that what they can see, hear, taste, touch or feel. It is a philosophical movement that developed in the late 1820s and 1830s in New England. ठीक है, ये New England में आया सबसे पहले। और इसकी एक बहुत important बात मैं आपको बताना भूल गई कि आप अगर सोचते हो कि transcendentalism कुछ नया था, इसने कुछ नई बात बोली, तो नहीं। एमर्सन, राल्फ वाल्डो एमर्सन ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो ये नहीं बोलते हैं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ वो नया हूँ। वो ये बोल रहे हैं मैंने तो एक लैंग्वेज दी है, इस रिलीजन को एक नई लैंग्वेज दी है। अदरवाइज मैंने सब कुछ वहीं से लिया है जो हमारे इंडियन स्क्रिप्चर, चाइनीज स्क्रिप्चर बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने भागवत गीता और जो हमारे वेदाज रहे हैं, जो हमारे उपनिषद रहे हैं, उन सब से इंस्पायर हुए। इन्होंने ये सब रीडिंग, इनकी सबकी रीडिंग करी, उसके बाद इन्होंने इनका जो आप बोल सकते हो कि इन्होंने यही सोचा कि एक्चुअल जो हमारी सोल जो है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारा सेल्फ रियलाइजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, इंडिविजुअलिटी इम्पॉर्टेंट है, सॉलिट्यूड इम्पॉर्टेंट है। सो कुछ भी ये नया नहीं बोलते, एक तरह से इन्होंने एक नई लैंग्वेज, नया रास्ता बनाया है। ठीक है, ओल्ड थॉट्स जो हैं उनके लिए। तो ये ट्रांसेंडेंटलिस्ट है। इट इज़ अ फिलोसफिकल मूवमेंट दैट डेवलप्ड इन द लेट 1820s एंड 1830s इन न्यू इंग्लैंड। द मूवमेंट कैन डिस्क्राइब यूजिंग थ्री एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स प्रिंसिपल्स, इंडिविजुअलिज्म, आइडियलिज्म एंड द डिविनिटी ऑफ नेचर। इसके तीन करेक्टरिस्टिक और प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से? इंडिविजुअलिज्म, आइडियलिज्म एंड द डिविनिटी ऑफ नेचर। ऑब्वियस बात है, अपनी सोल कॉन्शियसनेस में रहो, इंडिविजुअलिटी में रहो, सॉलिट्यूड में रहो, एकांत में बैठो। ठीक है, एकांत में बैठ के आप अपने आप जो है अपना सॉलिट्यूड फील करो, मेडिटेशन करो, तो आपको ऑटोमेटिक एक ऑरा फील होगा। अगर आपने ओशो की मूवी नहीं देखी है, ओशो पे बेस्ड मूवी है एक, आप वो ज़रूर देखिएगा। आई डोंट नो द नेम राइट नाउ, बट वो मूवी ओशो पे बेस्ड है। उसमें क्या होता है, एक जो बंदा जो ओशो है, स्टार्टिंग में जो ओशो है, उनको कैसे मेडिटेशन के लिए जो है इंस्पिरेशन मिला, उन्होंने एक बंद रूम में बहुत सारी बुक्स की रीडिंग करी और उनको बुक्स की रीडिंग करने के बाद यही फील हुआ कि जो मुझे एक जो लाइट है वो कैसे फील होगी। तो वो जो लाइट उनको कैसे फील हुई, जब वो एकांत में रहे तो उनको वो लाइट फील हुई, तब उन्होंने ये आइडिया लगाया कि दैट सॉलिट्यूड इज़ बेस्ट। अगर हम एकांत में हैं तो हम बहुत जल्दी भगवान से मिल पाएंगे। उनके अकॉर्डिंग भगवान जो है वो ऐसा नहीं कि गॉड इज़ इन हेवन, जो अपनी सीट में बैठे हैं, स्वर्ग में बैठे हैं। ट्रांसेंडेंटलिस्ट भी ये बात नहीं करते हैं कि गॉड जो है स्वर्ग में बैठे हैं और वो हम पे जो है नज़र लगाए हुए हैं। वो ये कह रहे हैं गॉड हमारे अंदर है, हर इंसान के अंदर गॉड है। अगर वो मेडिटेशन करेगा, अगर वो सॉलिट्यूड में रहेगा, तो उसे ऑटोमेटिक वो जो गॉड का ऑरा है वो फील होगा। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। इट सेंटर्स अराउंड द बिलीव दैट स्पिरिचुअलिटी कैन नॉट बी अचीव्ड थ्रू रीजन। ठीक है, ये सही बात बोल रहे हैं कि कभी भी आपको आध्यात्मिकता कारण से प्राप्त नहीं होती। रीजन से आप आध्यात्मिक नहीं बन सकते कि ये कारण हो गया इसलिए मैं आध्यात्मिक बन गया, या ये कारण था इसलिए मैं आज पूजा करके आया, इसीलिए मैं पाठ करके आया क्योंकि ये कारण था। कभी भी आपको जो स्पिरिचुअलिटी है वो रीजन से नहीं मिलती एंड रैशनलिज्म से भी नहीं मिलती, बट इंस्टेंट थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इंट्यूशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन से और इंट्यूशन से मिलती है अकॉर्डिंग टू ट्रांसेंडेंटलिस्ट।
The transcendentalists were forceful critics of slavery and gender equality. In transcendental theory, every individual has to be respected because every individual has a universal soul. देखो ट्रांसेंडेंटलिस्ट क्या बात करते हैं कि एवरी इंडिविजुअल मतलब हर एक इंसान को हर एक प्राणी को उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए क्योंकि सब में एक यूनिवर्सल सोल है. हम क्या हैं? देखो ब्रह्मा कुमारीज जो है वो भी यही बात करती है कि हम जो हमारी जो बॉडी है वो कुछ भी नहीं है. बॉडी तो सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आई है. आत्मा जो है वो ही सब कुछ है. तो ये भी ये बोल रहे हैं कि हर एक इंसान हमारे लिए रेस्पेक्टफुल है क्योंकि वो एक अपना अपने आप में पर्सनल यूनिवर्सल सोल है. ठीक है, तो हर एक प्राणी जो है वो रिस्पेक्ट के लायक है. ट्रांसेंडेंटलिज्म डिफाइंड एज अ फिलॉसफी ऑफ इंट्यूशन एज अ गाइड फॉर स्पिरिचुअलिटी. मेन प्रिंसिपल इसके मैंने वैसे बता दिया आपको, इंडिविजुअलिज्म, आइडियलिज्म, डिविनिटी ऑफ नेचर. बट उसके अलावा फ्री थिंकिंग, ऑब्वियस बात है फ्री थिंकिंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म. सेल्फ रिलायंस, ठीक है, एंड नॉन कन्फॉर्मिटी, ग्रोथ एंड रिन्यूअल ऑफ द इंडिविजुअल, रिवोल्ट अगेंस्ट ट्रेडिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट. ऑब्वियस बात है कि रिवोल्ट अगेंस्ट ट्रेडिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट, ये रिवोल्ट करते हैं किसके अगेंस्ट, जो ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं. लाइक अगर हमें बोल दिया जाए कि ये जो है हमारी मान्यता है, ये पहले से चलता आ रहा है, इसकी पूजा करनी है, इसका पाठ करना है, तो ये चलता क्यों आ रहा है? क्योंकि आज तक कोई ऐसा आया ही नहीं जिसने ये पूछा हो कि ये अगर है तो ये क्यों है, किस लिए है, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया. सो ये कह रहे हैं क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट. क्वेश्चन करो कि हम अगर इस चीज़ को करें तो क्यों करें, हमें उस चीज़ को क्यों करना चाहिए, क्या लॉजिक है उसके पीछे. ऐसा नहीं कि ट्रेडिशन है तो हम ब्लाइंडली फेथ करके उस ट्रेडिशन पे चलते जा रहे हैं, मतलब भेड़ चाल में नहीं चलना है. हमें हमारी सोल जो है उसको फील करना है, सेल्फ डिस्कवरी करनी है. उसके अलावा नेचर एंड स्पिरिचुअल यूनिटी एंड जो है एजुकेशन रिफॉर्म, ये सब इसके मेन प्रिंसिपल हैं. एक बहुत ही अच्छा कोटेशन दिया है लाल बेल्डो एमर्सन ने, अ मैन इन डेब्ट इज सो फार ए स्लेव. अ मैन इन डेब्ट, अगर एक आदमी कर्जे में है, इज सो फार ए स्लेव, तो वो एक स्लेव है, गुलाम है. तो ये अगर हम हमारे रिलीजन को मानते हैं, जो सो कॉल्ड रिलीजन है, सो कॉल्ड रिलीजन को अगर हम मानते हैं, तो हम क्या हैं? वी आर ऑल्सो स्लेव, हम भी गुलाम हैं. सो ये बहुत ही एक अच्छी बात, कोटेशन जो है बहुत ही अच्छा है, जो कि राल वेल्डो एमर्सन का है, अ मैन इन डेब्ट इज सो फार अ स्लेव, कि अगर जो मैन कर्जे में है तो वो स्लेव है. तो उनका कहने का मतलब सिंपल सा यही था कि अगर हम किसी चीज़ पे क्वेश्चन नहीं करते हैं और हम सेल्फ रिलायंस नहीं जानते हैं, सेल्फ डिस्कवरी नहीं जानते हैं, सोल कॉन्शियसनेस नहीं है, तो हम क्या हैं? वी आर ऑल्सो स्लेव. ट्रांसेंडेंटलिज्म वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ यूनिटेरियन फेथ इन बॉस्टन ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. एमर्सन ट्राइड टू गिव द न्यू लैंग्वेज टू द रिलीजन. ही वॉज इंस्पायर्ड बाय इंडियन स्क्रिप्चर, चाइनीज स्क्रिप्चर. ये सब मैंने आपको बताया था कि ये कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी नई बात नहीं बोली है, मैंने जो है इंडियन स्क्रिप्चर, चाइनीज स्क्रिप्चर इन सब को पढ़ा और उसके बाद मैंने एक तरह से पुरानी बातों को नई भाषा दी है, न्यू लैंग्वेज दी है. मैंने वही सब बोला है जो इन एक्चुअल बुक्स हमें बताना चाहती है. Transcendentalism is not something new, it is something a new way to explain the old ideas which already exists in Indian and Chinese scriptures. For Emerson, religion means something mysticism. Emerson ke liye religion kya hai? Something mysticism. Mysticism hai. Mysticism means when you experience of yourself, jab aap apne aap ko feel karte ho, apne aap ka experience karte ho, so wo mysticism hai. So according to Emerson, क्या है हमारा जो रिलीजन है वो एक मिस्टिज्म है. और उनकी बुक्स के मैंने आपको नाम बता ही दिए कि कौन कौन सी बुक्स जो है इम्पॉर्टेंट है एमर्सन की, लाइक ओवर सोल, सेल्फ लाइंस, द अमेरिकन स्कॉलर, डिविनिटी स्कूल ऑफ एड्रेस, और हेनरी डेविड थॉरो की वॉल्टन सिविल डिसोबीडियंस, ये इम्पॉर्टेंट है. सो आई होप आपको ट्रांसेंडेंटलिस्ट अच्छे से समझ में आ गया. और इसके अगर कुछ क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है उसमें से यही इम्पॉर्टेंट है कि
कौन कौन से मेंबर्स जो है ट्रांसेंडेंटलिज्म में रहे, तो इसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, ऐसा नहीं है कि ये तीन चार मेंबर्स ही रहे, बट ये फेमस जो हैं हेनरी डेविड थोरो और राल्फ वाल्डो एमर्सन, मार्गरेट फुलर, यही रहे। उसके अलावा हाँ, जैसे इमैनुअल कांट हैं, उनकी बुक से उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला एमर्सन को, और जैसे एस टी कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की बुक से भी इनको इंस्पिरेशन मिला। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इसके राइटर्स हैं, ये फिलोसफर्स हैं इस मूवमेंट के, ट्रांसेंडेंटलिस्ट के। उसके अलावा इन्होंने एक मैगजीन शुरू किया जिसका नाम है द डायल। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो द डायल मैगजीन है वो किसने स्टार्ट करी, तो वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट ने स्टार्ट करी, और इस मैगजीन में वही बातें छपती थी जो रिलेट करती थी ट्रांसेंडेंटलिस्ट थॉट्स से, मतलब सेल्फ डिस्कवरी से, सोल कॉन्शियसनेस से, इन सब चीज़ों से जो बातें रिलेट करती थी, जो आर्टिकल रिलेट करते थे, वो द डायल में छपते थे। सो द डायल जो है वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट ने स्टार्ट किया था, स्पेशली जो है मार्गरेट फुलर और एमर्सन ने। तो ये इसका कुछ इम्पॉर्टेंट जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट की क्वेश्चन थे, एक दो जो आने वाले मैंने आपको बताए। उसके अलावा जो ये फिलॉसफी है, बहुत ही अच्छी फिलॉसफी है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई, क्योंकि मैंने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे के आपको समझाने का ट्राई किया, ब्रह्मा कुमारीज जो कि बहुत फेमस है। आई होप कि आप में से सभी लोग जानते होंगे, पर कुछ लोग अगर नहीं जानते हैं तो अगर आप उसको गूगल करेंगे और यूट्यूब पे उनके वीडियोस देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि उनका जो थॉट है वो हमारे ट्रांसेंडेंटलिस्ट से मैच करता है। वो भी सोल कॉन्शियसनेस पे बात करते हैं और हमारे ट्रांसेंडेंटलिस्ट भी सोल कॉन्शियसनेस से पे बात करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।